पहले तो हमारे बीच मीडिया के जितने भी साथी मौजूद हैं, बताना हूँ स्पीकर, रिपोर्टर, कैमरा पर्सन, असिस्टेंट और आप जिस तारीख से आए हैं सुंदर में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सबको कि आप व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। इसके लिए आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं और लकी जी ने हमारे काम को आसान कर दिया है। हमारे बीच मंच पे जितने भी साथी मौजूद हैं एनएसवाई के, कांग्रेस के, सबका स्वागत उन्होंने कर दिया है। तो मैं सीधे आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग क्यों कर रहे हैं, किस विषय में है और इस पर हम बात रखेंगे और फिर आपका सवाल। सबसे पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले दिनों 1 अगस्त को एनएसवाई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि यह जो सेशन शुरू होने जा रहा है अगस्त में, इसमें पूरे देश में एनएसवाई जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के बीच मेम्बरशिप करेगी और जो उनके मसले हैं उनसे पूछ कर एक विद्यार्थियों का घोषणा पत्र जो है स्टूडेंट मैनिफेस्टो जो है उसको जारी किया जाएगा और वह जो स्टूडेंट मैनिफेस्टो होगा उसके सपोर्ट में पूरे देश में विद्यार्थियों का समर्थन हासिल करने के लिए हम टाउन हॉल का कार्यक्रम करेंगे और टाउन हॉल के कार्यक्रम में उस घोषणा पत्र को पास करा करके उस घोषणा पत्र के को लेकर के आने वाले दिनों में हम सबको उतरेंगे, संघर्ष करेंगे विद्यार्थियों को उनका हक दिलाने के लिए और इस देश में शिक्षा है उसको बचाने के लिए। तो पहली बात तो इसकी सूचना मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ और इसी जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया कार्यक्रम के तहत आज हम राजीव गांधी भवन में जो पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्शन है इसके परिप्रेक्ष्य में 74 विद्यार्थियों को जो अलग अलग संगठन के सिर्फ सदस्य नहीं बल्कि विभिन्न पदों पर आसीन हैं उनको हमने ज्वाइन कराया है क्योंकि हमारी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है। जैसा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बार बार कही कि इस देश में दो सबसे बड़ी चुनौती है, एक है डर, दूसरा है नफरत। लगातार जो है डर और नफरत का इस्तेमाल करके देश समाज को कमजोर किया जा रहा है। हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और जो बांटने वाली शक्तियां हैं उनके खिलाफ, नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत का संदेश लेकर के हर घर जाना है, हर भारतीय को जो है पहुँचने की कोशिश करनी है और यह जो उनका मोहब्बत का संदेश है इसी मोहब्बत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हमने भी यह तय किया है। उन्होंने जो नारा दिया जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, उस नारे को हम स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच से साकार करें, उसको सफल कर पाए, इसीलिए विभिन्न दलों के जो विभिन्न छात्र संगठनों के जो नेता हैं, छात्र हैं, उनको आज हमने एनएसवाई परिवार में शामिल कराया है। दूसरी बात ये साझा करना चाहता हूँ और तीसरी बात जो देश के भीतर राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जो संस्थानों खास करके शिक्षण संस्थानों के जो हालात हैं और जिस तरह से आज स्टूडेंट एज ए सिटीजन, स्टूडेंट एज ए सब्जेक्ट, स्टूडेंट एज ए सिटीजन उनके जो क्रिटिकल माइंड हैं उसको कैसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का वो लगातार जो है कमजोर होता जा रहा है और आप इस देश के बजट एलोकेशन को अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के बजट में कहीं कोई वृद्धि नहीं लेकिन फीस जरूर बढ़ाई जा रही और सेल्फ रिलायंस के नाम पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे कैसे एजुकेशन जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है उसको खरीदने बेचने की वस्तु बना रही है। आज अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते और आपने अपने बच्चों को किसी तरह से जमीन बेचकर लोन लेकर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया तो यह जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे उनको नौकरी मिलेगी, उनको रोजगार मिले और इसके चलते विद्यार्थियों पे इतना ज्यादा दबाव है कि
कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं तबाही की ओर धकेलते हैं। आप सब जानते होंगे शायद कि इस साल 2023 में अभी तक यह साल खत्म भी नहीं हुआ और कोटा में 22 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले साल भी आंकड़ा इसके आसपास था। तो आए दिन जब 10वीं का रिजल्ट आता है तो किसी छात्र की आत्महत्या भी खबर आती है और आप यूनिवर्सिटी की स्थिति को भी देख लीजिए, हमारे जितने बड़े संस्थान हैं वहाँ जो है आत्महत्या की खबर आ रही है। तो आज हमारे देश में जो शिक्षा और विद्यार्थी की स्थिति है उसको लेकर के एक सशक्त छात्र आंदोलन की जरूरत है, एक छात्र चेतना की जरूरत है जो विद्यार्थी शिक्षा के महत्व को समझ सके, अपने अधिकार को समझ सके, क्रिटिकल माइंडसेट उनके अंदर डेवलप हो और वो सवाल कर सके सत्ता से ये पूछ सके कि अगर 8.5 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है प्रधानमंत्री के लिए तो हमारे लैब के लिए केमिकल भी खरीदे जा सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी के लिए किताब भी खरीदा जा सकता है। यह जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस फंडामेंटल राइट को हम इंश्योर करें। इसीलिए कैंपसेस में दो सवाल होंगे, एक जो ये हेट्रेट है अलग अलग जो समाज को तोड़ने के लिए बांटने की कोशिश की जा रही है, छात्र राजनीति के नाम पे जिस तरह से नेता अपना प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं तो हम एक यूनिटी का संदेशा दे रहे हैं। हमारा संकल्प है इस बार कि जो भी आरोप विद्यार्थी कम्युनिटी पे लगता है गाहे बताए जो हमारे संगठन के ऊपर भी लगता है, हम ग्रुपिज्म को पूरी तरह से खत्म करें। NSY एकजुट होकर के इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेगी और जो लोग ऐसा करते हुए पाए जाएंगे वो चाहे कितने बड़े नेता क्यों ना हो, चाहे उनका कितना भी बड़ा जो है दम क्यों ना हो छात्र नेता होने का, अगर वो अपनी पार्टी के सिद्धांत के विरुद्ध जाए और अपने नेता के संकल्प के विरुद्ध जाए। जब नेता कह रहे हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया तो सबसे पहले तो NSY जुड़ के रहना चाहिए, फिर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जुड़ करके रहे और वहां से जो छात्र आंदोलन का आगाज होगा उसी से तो इंडिया जुड़ेगा, उसी से तो इंडिया जीतेगा, उसी से तो जो है भारत में नई राजनीति के संकल्प की इबादत लिखी जाएगी, क्योंकि बिना छात्र आंदोलन के कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जिम्मेवारी NSY की तरफ से हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। ये संकल्प हमने लिया है कि हम एकजुट रहेंगे और ये संदेश इसीलिए हम बंद कमरे में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने देना चाह रहे हैं कि हम एकजुट रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, जो लोग इसके विरुद्ध रहेंगे हम संगठन के तौर पर उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारा एकजुटता का संदेश है, हमारा यूनिटी का संदेश है और जो एक मुद्दा है जिसपे हम पूरे देश के कैंपस को विद्यार्थियों को इकट्ठा करना चाहते हैं वो है जो इनइक्वालिटीज, उस इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट हम इक्वालिटी के का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है उसको एस्टेब्लिश कर सकें। तो इसी यूनिटी और इक्वलिटी के नारे के साथ हम आगामी पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी हिस्सा लेंगे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और जहाँ चुनाव नहीं हो रहा वहाँ भी जैसा कि हमने आपको बताया विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, मेंबरशिप के माध्यम से, सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से, सेमिनार, गोष्ठी, सिग्नेचर कैंपेन और अल्टीमेटली जो है स्टूडेंट के सजेशंस को कलेक्ट करके स्टूडेंट घोषणा पत्र तैयार करेंगे और उस घोषणा पत्र के को देश के विभिन्न इलाकों में विश्वविद्यालयों में घोषणा पत्र को टाउन हॉल के माध्यम से विद्यार्थियों को इकट्ठा करा के उसको पास करेंगे, उसको सरकार के सामने मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, सरकार से यह डिमांड करेंगे कि स्टूडेंट घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करें। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम एक वाइब्रेंट स्टूडेंट मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का तो प्रयास करेंगे NSY परिवार की तरफ से। यही बात मैं आप सबसे साझा करना चाहता था, धैर्य के साथ आप तमाम लोगों ने हमारी बात को सुना, हम बहुत बहुत वैसे आपको आभार व्यक्त करते हैं और आपके मन में जो भी मौजूद प्रश्न हो, मौजूद नहीं कोई भी प्रश्न हो, हम कौन सा प्रधानमंत्री है ये क्वेश्चन कंट्रोल कर लेंगे, कोई भी प्रश्न हो आप जरूर पूछिए, हम उसका हर संभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो देखिए अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले जो हमने 74 विद्यार्थियों को ज्वाइन कराया उसमें से एक विद्यार्थी जो है उसी संगठन से आया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे ना ऐसा महसूस करते थे जैसे पिंजरे में,
ना सोचने की आज़ादी, ना बोलने की आज़ादी, ना कोई कार्यक्रम करने की आज़ादी। और उन्होंने मेंशन किया कि मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार है और हमको इजाज़त नहीं थी, तो हमने जो है उस पिंजरे को जो है छोड़ दिया है और हम यहाँ आ गए हैं क्योंकि यहाँ हमको बोलने की, सोचने की आज़ादी महसूस होती है। और यही बात मैं एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि NSY का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संबंध इस देश के आज़ादी के आंदोलन से है। देश आज़ाद नहीं होता, संविधान नहीं होता, आप और हम सब जो है प्रजा से बदल करके नागरिक ना बने होते तो आज़ाद देश में आज़ादी जो है सुरक्षित नहीं रहती। तो उस आज़ाद देश में आज़ादी को हमको महफूज रखना है और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके जो वास्तविक सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उस पर कंसंट्रेट होकर के जिस भी फ्रंट की जिम्मेवारी हमको मिली है उस फ्रंट को हम ऑर्गेनाइज करें। तो NSY की जिम्मेवारी विद्यार्थियों की है, विद्यार्थियों के बीच में हम जाएँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को लेकर के आगे बढ़ाएं। तो जो आप दो संगठन के बीच का फर्क कह रहे हैं तो इतना कह सकते हैं कि NSY में लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, आज़ाद देश में एक आज़ाद नागरिक के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर सीखने को, समझने को, और जो हमने सीखा और समझा है उसको इम्प्लीमेंट करने की आज। रैया जी, आपने कहा कि जो भी संगठन के खिलाफ जाएगा या संगठन की वो गुस्सेगा बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो संगठन छोड़ के जा रहे हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर नेता बदले नहीं किया जाता, वो ही नेता रहता जो पहले से चला रहा था। ये कांग्रेस पर भी इल्जाम रखते हैं, हाईकमांड पे हो या पंजाब की हो या चंडीगढ़ की हो, और अब ये NSY पे भी देखते हैं। देखिए, इल्जाम तो लगेंगे क्योंकि जो हमारे विरोध में है वो हमारे खिलाफ है। आप ही लगा रहे हैं, NSY की बात कर रहा हूँ, NSY से करने पूरा प्रश्न पूछ लिए थे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप विरोधी नहीं, आप ही के लगा रहे हैं। तो आप एक बार सवाल जब बात पूछ लेंगे तो बीच में कुछ एक कैसे हो गया। मैं तुम देखिए, इल्जाम तो लगेंगे, ठीक है, इल्जाम लगाते हैं लोग जब पार्टी छोड़ कर जाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। और मैं आपको ये कह दूँ, मैं ही एक उदाहरण हूँ, हम भी एक पार्टी छोड़े थे, हम किसी को इल्जाम नहीं करते। सवाल ये है कि आपके सामने लक्ष्य क्या है। अगर आपके सामने लक्ष्य है कि हमको विद्यार्थियों को एकजुट करना है, हमको जो है विद्यार्थियों का एक आंदोलन करना है, और जो विद्यार्थियों के सवाल हैं उस सवाल को लेकर के सत्ता से संघर्ष करना है, सवाल पूछना है, तो आपके लिए संगठन एक माध्यम है। संगठन बनता कैसे, संगठन लोगों से ही बनता है, संगठन अपने आप में तो कुछ नहीं, हम जो लोग मिल करके बनाते हैं वही संगठन है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि नेता बनने नहीं दिया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि प्रासंगिक नहीं है। अगर वो नेता बनना चाहते हैं तो किसका नेता बनना चाहते हैं, विद्यार्थियों का नेता बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको विद्यार्थियों के बीच होना चाहिए। अगर वो विद्यार्थी के बीच में है, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के लिए संघर्ष करते हैं, विद्यार्थियों में जो है उनकी पकड़ है, विद्यार्थी लोगों को अपना नेता मानते हैं, तो मुझे बताइए कोई संगठन कैसे अपने उस रिसोर्स को जो है जाने। असल क्या है ना कि आजकल एक बड़ा ही फैशन सा बन गया है कि हम लॉन्ग टर्म जो मेहनत का काम है, जो संघर्ष का काम है, उसको ना करके आरोप प्रत्यारोप की परिपाटी में ज़्यादा फंस गए। जो लोग छोड़ करके चले गए हैं वो चले गए हैं, वो शायद हमसे बेहतर कोई विकल्प उनको लगा होगा कि उनकी आज़ादी है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जो हमारे साथ हैं अभी उनके साथ हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि बिना एकजुट रहे कोई जो है लड़ाई जीती नहीं जा सकती, तो हमको एकजुट रहना है। और उनसे आम सहमति पे ही यह बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के इसकी घोषणा कर रहे हैं, हम अपने सारे नेताओं से बात करके ये बात करें। अब कोई कह करके अपनी बात से मुकर जाए, जो वादा करे वह ना निभाए, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में भी जो है ना एक सच्चाई की जरूरत होती है, एक ईमानदारी की जरूरत होती है, एक प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। तो हम उसको NSY की संस्कृति में जो था जो है उसको हम बहुत मजबूत करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक जो मैसेज बार 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 जो है, जो आपने प्रश्न पूछा है कि देने की कोशिश की जाती है कि NSY में लोग अपने ढंग से चलते हैं, अपना अपना जो है ग्रुप है, तो उसको हम खारिज करते हुए स्ट्रेस देकर के ये बात कह रहे हैं
छोड़ने वाला आज तक कभी फोटो चेंज करके नहीं है, जो पार्टी छोड़ के गया है। आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो पार्टी को फोटो चेंज करके जाएगा? क्या वो ये बोल के जाएगा कि इसी पार्टी ने मुझे प्रधान लड़ाया, मैं उसका थैंक्स करता हूँ? क्या ये बोल के जाएगा कि इसी पार्टी ने मुझे प्रधान जिताया था, मैं उसका फोटो चेंज करता हूँ? तो दैट इज बट ऑब्वियस कि जो भी छोड़ के जाएगा वो आरोप लगा के ही जाएगा और उसको फोटो चेंज करके लिए। 2017 से आपकी NSY प्रधान सचिव नहीं थी, आप मध्यम के नेता हैं, JNU में आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, आपने कोई विवेचना की है कि इसका कारण क्या रहा और क्या मानते हैं आप? देखिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि हर कारण को यह कहना जरूरी है, और ये भी हमारा दावा नहीं है कि हम 2017 से जीतते हैं। आप तो NSY की बात कर रहे हैं, 2014 से तो हमारी पार्टी हार गई है, 2019 में भी हार गई थी। लेकिन हम जो आपको कह रहे हैं, अगर आपको सुन रहे हैं बिना किसी बायसनेस के और देख रहे हैं, तो आपको खुद ही, आप चूँकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप समझ रहे हैं, हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर है। हमारे लिए चुनाव एक प्रक्रिया है, अंतिम प्रक्रिया नहीं है, यह बात समझ लीजिए। इसीलिए हमने आपको अपने पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, और एक दिन की जानकारी नहीं दी, 6 सितंबर तक की जानकारी नहीं दी, आने वाले जो है अगस्त तक की जानकारी, अगले अगस्त पूरे सेशन का, NSY का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो फैसला है, जो डिस्कशन लिया है, जो प्रोग्राम हमने लिया है, हमने आपको उसके बारे में जानकारी दी। 2017 में हारे थे कोई बात नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनौतियां हमने आइडेंटिफाई की अगर हम उसको दूर कर पाए तो हम 6 तारीख को जो पोलिंग होगा हम जीतेंगे। हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, मेरे कुछ साथी कह रहे हैं उसके बाद से कभी नहीं जीते प्रधान। अच्छा प्रधान, अच्छा कोई बात, प्रधान ही सब कुछ नहीं होता है, प्रधान ही सब कुछ नहीं होता है, इससे भी हमको बचना चाहिए। ये जो है ना, ये सारा पावर DM, CM और PM के पास होता है, उसका नतीजा आप पंजाब में देख रहे हैं, तो ये तो आपसे छुपा हुआ है। यहाँ पूरा NSY बैठा है, कोई ग्रुप नहीं बैठा है, एक संगठन, एक एक मैं ये बात मैं आपको जो भी बोलने को रही है, आपको जो भी बोलने को रही है, आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए, आप जो देखना चाहते हैं देखिए, आप जो चाहते हैं दिखाइए, लेकिन हम जो अपनी बात कह रहे हैं आपको दोबारा बोल रहे हैं, NSY एक संगठन है और NSY एक संगठन की तरह चुनाव लड़ेगी, और NSY का एक पैनल होगा, और उस पैनल में जिस जिस संगठन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो हमारे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे, हम उनके साथ, क्योंकि हम जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जो हमारे लीडरशिप का संकल्प है, उस संकल्प को हम विद्यार्थी के बीच लेके जाना चाहते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच लेके जाना चाहते हैं, और उसको जो करने वाली संगठन है, देश की सबसे बड़ी संगठन, अगर आप ओपोजिशन की बात करें तो NSY, और ये संकल्प हम NSY के तौर पे आपके सामने रख रहे हैं कि NSY एक संगठन है, हमारा एक पैनल होगा, एक कैंडिडेट होगा, और हम एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। एक सवाल और देखिए, एक तो जो आपने संगठन की बात की, तो आप जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पॉलिटिक्स का अपना चर्चा है, तो हमने जितने भी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उस एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भी एक्टिव जो है लीडर होते हैं, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। दूसरा आपने कहा कि कितनी पोस्ट पे लड़े, चारों पोस्ट पे लड़े, ये कन्फ्यूजन कई बार लोगों को होता है, हम एक्टिविज्म नहीं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, फर्क होता है। अगर हम कैडर के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पे स्टूडेंट मूवमेंट को देखना चाहते हैं, तो आप जानते हैं
कि कैडर बेस्ड पार्टी है, लेफ्ट और राइट में होता है। NSY कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये एक्टिविज्म से ज़्यादा एक्टिविटी पर ध्यान देती है। और एक्टिविटी में हम ये देखते हैं कि एक्टिव लोग कौन हैं, और जो एक्टिव लोग हैं वो हमारे मैनिफेस्टो पे, हमारे विचार पे सहमत होकर के अगर हमारे साथ हो तो हम उनको लड़ाते हैं। ऐसा जो है आपको कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कल्चर में देखने को नहीं मिलेगा। ये ABBP में ये जो RSS की शाखा करके आया है 3 वर्ष का, वही जो है चुनाव लड़ेगा। NSY में कोई शाखा नहीं लगती है। लगती है क्या? NSY की शाखा लगाती है? कोई शाखा नहीं है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष नहीं होता है। आप सवाल टाल रहे हैं, हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि आपके सारे ग्रुप यहाँ बैठे हैं, आप बताइए कैंडिडेट। मेरा एक ग्रुप है, हम आपके सवाल को पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं आपके सामने। आप जबरदस्ती अगर मेरे मुंह से चाहते हैं हम आपके सवाल को अपने सवाल में रह के बोले, हम कह रहे हैं कि यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, इनके सामने में कह रहे हैं। कन्हैया जी, कई आपके लीडर ये भी कहते हैं कि पैराशूट से लीडर ला के रख देते हैं, पैराशूट वाले लीडर को नहीं आते। एक आपके दूसरे बताइए, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ये कांग्रेस परिवार है, ये कांग्रेस के लीडर है, ये NSY के लीडर है, NSY के लीडर है, ये NSY के लीडर है, वो यू कांग्रेस के, एक परिवार बैठा। आपको अगर ग्रुप दिख रहा है ना मैं, तो ये आपको दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा है और हम इसको देखना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि आगे से आप भी मत देखें, यही हम कहना चाहते हैं। यस, थैंक यू।